बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। और भाई लोग कैसे हो, पबजी मोबाइल की एक ब्रांड न्यू वीडियो लेकर मैं फिर से आ चुका हूँ। गाइस आज की वीडियो जो है पबजी वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस यहाँ पे पबजी वालों आप लोगों को सब सब कह रही है कि अपना अकाउंट संभालो, नहीं थी एक रुपए का डाटा बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। जी हाँ गाइस, बहुत ही बड़ा नोटिस आप लोगों के फोन में दिखाया जा रहा होगा गेम को ओपन करने के बाद, जहाँ पे ऐसा लिखा है सिक्योरिटी वार्निंग। तो गाइस आप लोग को पता है पबजी वालों ने कुछ समय पहले बैन पैन का यूज़ करा था। बैन पैन है मतलब मान लो जो पबजी वालों के साथ कोई भी चीटिंग कर रहा है, कोई भी ESP वगैरह यूज़ कर रहा है, कोई भी हैकिंग कर रहा है, उसको पकड़ने के लिए पबजी वालों ने बैन पैन का यूज़ करा था। तो गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गेम को ओपन करने के बाद सभी प्लेयर्स के फोन में ये वाला सिक्योरिटी वार्निंग का मैसेज आना स्टार्ट हो गया। तो गाइस बहुत जनों की फोन में ये वाला मैसेज तो आना स्टार्ट हो गया है। तो गाइस आप लोगों के फोन में तो अगर नहीं आया तो गाइस आप लोग थोड़ी देर पहले देख सकते हो आपके फोन में भी ये वाला मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलो गाइस आप लोगों को यहाँ पे फुल एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे सिक्योरिटी वार्निंग से बचना है। तो गाइस अभी तक जिस बंदे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक शेयर कमेंट कर दो। तो चलो गाइस यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किस तरह का नोटिस आप लोग को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो गाइस नोटिफिकेशन के सामने यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सिक्योरिटी वार्निंग, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली गाइस अभी तो उन लोगों के अकाउंट में सिक्योरिटी वार्निंग का नाम का मैसेज आना स्टार्ट हो गया होगा जिन लोगों ने पबजी मोबाइल के अकाउंट के साथ छेड़खानी किया होगा, उन लोगों के फोन में पहले तो एक बार सिक्योरिटी वार्निंग का मैसेज आना स्टार्ट हो गया। तो गाइस जिस जिसके फोन में बैन पैन के थ्रू कोई भी मैसेज डिटेक्ट कर लिया होगा उसके फोन में भी सबसे पहले ये मैसेज आना स्टार्ट हो गया। तो गाइस ये तो बहुत ही सिंपल तरीका है, आप लोग ये मैसेज को बहुत ही आसानी से हटा सकते हो। तो गाइस यहाँ पे बेसिकली चारों बात पबजी वालों ने बताया है। तो गाइस आप लोग चारों बात एक्सेप्ट भी करते हो गाइस और ये अपने अकाउंट में यूज भी करते हो, तो गाइस आप लोग मान लो आपका अकाउंट फटाक से उड़ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले पबजी वालों ने बताया है कि जो भी आप लोग वर्जन खेल रहे हो ना कहाँ से डाउनलोड किया है। तो गाइस मान लो कोई दूसरी फेक वेबसाइट हो वहाँ से डाउनलोड कर लिया हो और गाइस पबजी मोबाइल का रियल वर्जन ना हो, तो गाइस आप लोग ये बात जरूर ध्यान रखिएगा, पबजी मोबाइल का रियल वर्जन ना हो तो बहुत ज्यादा चांसेस है बैन होने की। तो गाइस यहाँ पे पबजी वालों ने दूसरी बात बताया है कि आप लोग यहाँ पे कोई भी GFX टूल या कोई भी कॉन्फिग टूल यूज कर रहे हो तो आपके अकाउंट बैन होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो गाइस आप लोग को पता है आपका अकाउंट एक बार बैन होगा तो फिर से दोबारा नहीं मिलेगा। तो गाइस मेरा एक अकाउंट के साथ ऐसा हो चुका है इसलिए मैं बता रहा हूँ GFX टूल और कॉन्फिग टूल का यूज करना बंद कर दो। तो गाइस आप लोग कितनी भी चैट कर लो, कितनी भी पबजी वालों के साथ बात कर लो, दोबारा से आपका अकाउंट तो नहीं मिलने वाला। इसलिए गाइस मैं बोल रहा हूँ कि GFX टूल और कॉन्फिग टूल का यूज करना पबजी मोबाइल पे सबसे पहले बंद कर दो। तो गाइस तीसरी बात जो पबजी वालों ने यहाँ पे बताया है कि आपका जो डिवाइस है वो रूटेड नहीं होना चाहिए। तो गाइस रूटेड डिवाइस में ऐसे काफी सारे फीचर्स है जो एक तरीके का हैकिंग ही होता है। तो गाइस रूटेड फोन में गेम के अंदर कुछ भी कर सकते हो। तो सबसे पहले गाइस रूटेड डिवाइस के लिए ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद गाइस यहाँ पे चौथी जो बात पबजी वालों ने बताया है कि तो गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही पे होता है। तो मान लो गाइस आपका कोई फ्रेंड का अकाउंट लेकर आपके डिवाइस पे खेल रहे हो तो आपके मोबाइल पे जिस जीमेल अकाउंट से पबजी मोबाइल को खेलते हो, अगर कोई दूसरा जीमेल अकाउंट मान लो अपना फ्रेंड का अकाउंट अपने मोबाइल पे लॉगिन कर रहे हो तो उसका अकाउंट बैन होने की बहुत ज्यादा चांसेस है। तो दूसरे के जीमेल अकाउंट लॉगिन करना बंद कर दो, नहीं तो उसका अकाउंट परमानेंटली बैन हो सकता है। तो इस पबजी वालों ने यहाँ पे बताया है कि अगर आपने चारों बात का यूज कर रहे हो तो आपका अकाउंट बैन होने की चांसेस हो। तो इस आप लोग के चारों में से कोई भी एक बात आप लोग यूज नहीं कर रहे हो तो आपका अकाउंट में कोई भी खतरा नहीं आने वाला है। तो इस आप लोग यहाँ पे कोई भी बात यूज नहीं कर रहे हो तो आप लोग यहाँ पे एग्री एंड अबाइड में क्लिक करना है, तो गाइस आप लोग की अकाउंट में कोई भी खतरा नहीं आएगा। तो गाइस आज का वीडियो यही था, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। तो गाइस जिस बंदे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस कर दो।